इस मुहूर्त में इस तरह से करें होली की पूजा, ये एक मंत्र कर देगा आपकी हर मुश्किल को दूर। 9 मार्च को पूरे देश में होली का त्योहार मनाया जाएगा। शनिवार को होली और मंगलवार के दिन धुलंडी का त्योहार मनाया जाएगा। हम आपको होली का शुभ मुहूर्त के बारे में बताते हैं। संध्या काल में 6:22 से 8:49 तक होली का दहन किया जा सकता है। हम आपको होली के पूजन की विधि बताते हैं। होली के दहन से पहले व्यक्ति को होली के पास पूर्व या उत्तर दिशा और मुख करके बैठने चाहिए। पूजा के लिए कई सामग्री होती जो इस तरह से है। 1 लोटा जल, माला, रोली, चावल, गंध, पुष्प, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, बताशे, कुलाल, नारियल आदि का प्रयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त नई फसल के पक्के चने की बलिया, सप्त धान्य है गेहूं, उड़द, मूंग, चन्ना, जौ, चावल और मसूर। होली का दहन मुहूर्त समय में जल मोली, फूल, गुलाल तथा ढाल खिलौने की 4 मले अलग से घर से लेकर सुरक्षित रख ली जाती है। इनमें से 1 पितृ देवताओं के नाम की, दूसरी हनुमान जी की, तीसरी हनुमान जी के नाम की, तीसरी शीतला माता की तथा चौथी अपने घर परिवार के नाम की होती है। कच्चे सूत को होलिका के चारों ओर 3 या 7 परिक्रमा करते हुए लपेटना होता है। फौर लोटे का शुद्ध जल व अन्य पूजन की सभी वस्तुओं को एक करके होलिका को संप्रिप्त किया जाता है। रोली, अक्षत फूलों से होली की पूजा किया जाता है। गंध पुष्प का प्रयोग करते हुए पंचोपचार विधि से होलिका का पूजन किया जाता है। पूजन के बाद जल से अग्नि दिया जाता है। सुख समृद्धि के लिए इस मंत्र का जाप करें। अकुटा भय त्रस्तैकृता त्वन होली बालिशय अतस्वा पूजश्यामि भूति भूति प्रदायन। इस मंत्र का उच्चारण 1 माला, 3 माला या फिर 5 माला विषम संख्या के रूप में करना चाहिए।